मेरे पापा ने ये वीडियो देख ली और देखा कि मैं ऐसे फालतू का खर्चा करती हूँ तो मुझे ना बहुत डांटेंगे, पैसे देना ही बंद कर देंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बहुत दिनों बाद जैसे टेंशन फ्री हूँ, मुझे कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि मेरे मिड टर्म तो खत्म हो गए, मतलब कल लास्ट पेपर था। पर आज मुझे ऐसे आदत है सुबह उठते बराबर पढ़ाई करने की, तो आज ना मुझे मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसा मतलब पढ़ाई तो नहीं करनी, इस टाइप का लग रहा है। तो आज का दिन मुझे कुछ पता नहीं है क्या है, तो बस मेरा 3 बजे एक लेक्चर है, तो मैं लेक्चर अटेंड करने जाऊँगी। और अभी तक मैंने लंच नहीं बनाया, कुछ हुआ नहीं है, तो देखते हैं जैसा जैसा डे चलेगा वैसा वैसा मैं आपको व्लॉग में दिखाती जाऊंगी। तो अभी मैं बाल सुखाती हूँ। तो मैं अभी ओह माय गॉड, मैं घबरा गई क्योंकि मुआवजा आ गया अचानक से, तो मैं घबरा गई। जब तक मैं किचन में हूँ ना, मुआवजा यहीं पर आसपास ही रहेगा, वो ऐसा ही करता है, मुझे क्यूट भी लगता है पर हल्का सा डर भी लगता है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, तो ऐसे पैरों पे आ जाता है, एकदम से काटने लगता है तो डर लगता है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि अभी मैं आलू सॉरी सॉरी प्याज और टमाटर की चटनी बनाती हूँ। मैंने कभी बनाई नहीं है चटनी और ना मुझे पता है कैसे बनाती है, पर मेरी मम्मी बनाती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मम्मी तो सो गई होंगी, बहुत लेट हो गया है, तो अभी मैं अपने अपने मन से ही बना लेती हूँ। देखो मोहित्सा, मैंने बोला था ना अभी मैं किचन में हूँ तो ये किचन में ही रहेगा। पर बेटा तू, मैं खाना कैसे बनाऊं बता, कैसे बनाऊं? पर चावल बनने को रख दिए हैं और ये प्याज काट के प्याज होने दे रही हूँ, अभी टमाटर काट के टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो ये टमाटर प्याज की चटनी बन रही है, मेरी मम्मी जैसे बनाती है ना थोड़ी थोड़ी वैसी ही लग रही है, खूबसूरत टेस्ट में भी अच्छी लगे। तो ये है आज का लंच। तो मैंने खाना खा लिया और प्याज और टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा लगा कि मैंने कितने दिनों बाद अच्छे से पेट भर के खाना खाया। अभी बस कॉलेज के लिए निकलना है तो रेडी होती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, और अभी मुझे याद आया मेरी रूममेट ने कल बोला था कि मुझे एक चीज़ याद दिलाना, नीचे उसको ऑफिस में बात करनी है। सुबह तो मैं भूल गई पर अभी जाते हुए मुझे याद आया, तो अभी मैं उसको कॉल करके एक बार वो बात याद दिला देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और अभी बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ, बस तो आ रही है, मुझे रोड क्रॉस करने करके जाना है और फिर बस मिलनी चाहिए आज, मतलब अभी मिलनी चाहिए। तो अभी मैं बस स्टॉप पे आ गई हूँ और बस अभी सिग्नल पे है, और अभी मुझे थोड़ा शाय फील हो रहा है। तो अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ और ये रही बस। अभी मैं क्लास में जा रही हूँ, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली है, हम दोनों साथ में बातें करते हुए जा रहे हैं, तो आज कोई है ना साथ में तो अच्छा लग रहा है, पर व्लॉग बनाने में थोड़ा ऑड फील होता है किसी के सामने मुझे। हो गया है मेरा अभी लेक्चर, ये देखिए ये जो है ना कॉर्नर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे मैंने आज नोटिस किया पर मुझे ये कॉर्नर बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। देखिए I'm not afraid to die.
अभी मैं कॉलेज से आ गई हूँ। यहाँ पर ये है लेक और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ऐसे रुकूंगी 15-20 मिनट और बाद में घर चली जाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बहुत दिनों बाद यहाँ पर लेक पे आई तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं डीजेक्स में जा रही हूँ और कुछ जो डेली की चीज़ें होती हैं ना वो खरीदनी है। पर मैं चेरी देख रही थी पर चेरी तो नहीं है, तो आज डीजेक्स में कुछ था ही नहीं। और अभी मुझे जल्दी से घर जाना है, नहीं तो मैं हमेशा डीजेक्स में जाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो सेक्शन देख के ही जाती हूँ। पर अभी मैं सिंपली में जाती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ फ्रूट्स वगैरह। मिल्क लेना है मुझे, वो है क्या, और शक्कर भी लेनी है। देखती हूँ और फिर जल्दी से घर जाती हूँ। अभी ना धूप की वजह से सिर दर्द भी हो रहा। ये देखिए सिंपली में सब्जी का सेक्शन, यहाँ पर इतनी सब्जियाँ अवेलेबल होती है। पर शक्कर भी नहीं है इंडिया वाली। तो अभी ये मिल्क कर्ड वगैरह का सेक्शन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर भी कुछ दिख नहीं रहा। हाँ ओके चलो अभी देखते हैं। अच्छा ये लेने से पहले थोड़ा सा देखती हूँ पराठा वगैरह कौन सा है यहाँ पर। आजकल मुझे पराठे भी अच्छे लगने लगे हैं। तो ले लिया है जो भी डेली की चीज़ें चाहिए थी वो, और अभी जा रही हूँ रूम पे। देखिए मैं घर में आ गई और मुएज़ा यहाँ पर आ गया। मुएज़ा और ये बार बार यहीं पर देख रहा है, शायद उसको ना दूध की स्मेल आ रही है। अभी मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि सुबह चाय नहीं पी थी, तो अभी चाय पीने की इच्छा हो रही है। अभी मुझे एक डिस्कशन सबमिट करना था तो वो मैंने कर दिया, और अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मोबाइल वगैरह यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ और उसके बाद खाना खाना है। आजकल हम रूममेट्स ना साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो मेरे दोनों रूममेट खाना खा रहे थे और मैंने, बहुत टाइम हो गया, आज 11 बज रहे हैं, मैंने खाया ही नहीं अभी तक खाना। तो अभी मैंने खाना ले लिया है, वही है सुबह की सब्जी, चटनी है प्याज और टमाटर की, साथ में चावल। और ये मैंने रैप लाया है, क्लासिक मिक्स वेज रैप। तो ना हमेशा यहाँ पर ना ऐसे खाने की इच्छा होती है कुछ, तो आज पहली बार मैं ये कैसा होता है ट्राई करती हूँ। अगर मुझे पसंद आया तो क्विक कभी लगा तो ले सकते हैं। ये है रैप। मेरे पापा ने ये वीडियो देख ली और देखा कि मैं ऐसे फालतू का खर्चा करती हूँ, तो मुझे ना बहुत डांटेंगे, पैसे देना ही बंद कर देंगे। तो अभी रात के 12 बजे है, आज वीडियो एडिट करनी है, मेरा मन ही नहीं कर रहा वीडियो एडिट करने का। पर अभी उठती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ और फिर सो जाऊँगी। तो बस अभी वीडियो एडिट करती हूँ और फिर सो जाऊँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बाय।